हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है तारीख 7 अगस्त, टाइम हुआ है सुबह के 7:30, और आज है मेरा कोरिया में सेकेंड लास्ट डे। तो बस यार, अब कुछ दो तीन चीज़ें बची हुई हैं, वो कर लेता हूँ। जैसे नॉर्थ कोरिया टावर है, वो क्या गोंगबुक पैलेस है, एक वो क्या है बुकॉन हेरिटेज विलेज, और लास्ट में देखना गगनम, क्या बहुत फेमस है गगनम। तो बस निकल चुका हूँ मैं रुका हूँ, बताया था मैंने आपको इंसा डोंग में, और इंसा डोंग के पास में ही ये सब पैलेस और जो हेरिटेज विलेज है सब पास पास में ही है। हॉस्टल तो बेकार, इंस्टा हॉस्टल है बेकार। इसका जो ऑनर है या जो भी केयर टेकर है एकदम फालतू आदमी, ना तो बोलना आता ना हंसना आता, बड़ा अजीब सा बंदा है यार। तो भाई अवॉइड ही करना उसको। तो अगर सियोल में हो तो सबसे बढ़िया वो है नामसम गेस्ट हाउस, बेस्ट है यार। बारिश तक रात को हुई थी तो इंसाडोंग से ज़्यादा अच्छा था ना म्योंगडोंग, ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत हैपनिंग है और बेकार था, नहीं अच्छा लगा। म्योंगडोंग बेस्ट है। अब मेट्रो पकड़ता हूँ यहाँ से और पहुँचता हूँ सबसे पहले बुकॉन हेरिटेज विलेज। भाई सुंदर बहुत बना हुआ है, साफ सफाई का ध्यान भी इतने रखा है लोगों ने। भाई मास्क लगा लेता हूँ, मास्क बोलेगा जरूर यहाँ पे। तो भाई आ गया मैं हनोक विलेज, जब प्रॉपर रियल विलेज ये लोग रहते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर। हाँ बुकॉन रो 9 भाई, ये है एड्रेस। बहुत शांत और साफ सुथरा बना हुआ है, क्या मस्त बना रखा है। बहुत प्यारा है,
यहाँ किसी गेट मत पिछड़ यहाँ पे ना गेट किसी का मत नॉक कर लेना, लोग निकल के आ जाएंगे, लोग रहते हैं यहाँ पे। भाई पसीना यार, बाल्टी भर लो। हाँ बहुत सुंदर है यार, रहना चाहिए यहाँ पे ना, और रहने को मिल जाए तो फिर पूछूँ मत। हाँ वाह भाई वाह, मज़ेदार है भाई। यहाँ इन सड़कों से क्या है, 700 मीटर है, आराम से पैदल पैदल आ जाओ। ये तो एक बस और एक मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, और मैं उसके मूड में था नहीं। और यहाँ से पास में वो है एक पैलेस, गुंग बॉक कुछ करके, क्या नाम पता नहीं है, मैं लिख दूँगा नाम पढ़ लेना। वाह, तो 2 दिन जेजो में निकाल लिए, 4 दिन यहाँ हो गए, कल लास्ट दिन है, फिर वापस वही हनोई और हनोई से दिल्ली। हाँ अभी तो कोरिया का वीज़ा भी बहुत इजी मिल रहा है, तो फटाफट लगवा लो, मस्त घूम लो। स्विट्जरलैंड वाला फील आ रहा है।
लोग तरल करते होंगे ऊपर से चढ़ के। यह है भगवान का ढेज, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो भाई हो गया ये भी, अब चलते हैं पैलेस आजू बाजू वहीं पे। पूरा हरा भरा है गजब का। देख लो भाई, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो देखो लाइन से एकदम नाप के लाइन से खड़ी हो भाई। यही अगर मेरा होता ना देश, यही भाई अगर मैं कहीं और की बात करूँ ना, समझ जाओ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो कितने भाई यहाँ तरीके से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं हम लोग। ये देखो पूरा गैप रखा है, इतनी पतली ये रोड है तो भी देखो दिक्कत नहीं है भाई। कुछ सीखो, डिस्प्लिन सीखो हम लोगों से। अगर यार ये है कोरिंग्स में डिस्प्लिन बहुत है, अगर जबरा क्रॉसिंग पे मान लो लाल लाइन हो रखी है तो भाई कोई भी नहीं है तो बंदा क्रॉस नहीं करेगा, खड़ा रहेगा। है भाई लोगों में डिसिप्लिन है यार, तभी हम कहते हैं ये देश सुंदर है, वो देश सुंदर है, देश का सुंदर है भाई, लोग अच्छे हैं यहाँ के। देख लो एक भी गाड़ी इधर उधर, इतनी बड़ी रोड है, क्यों कचरा का टुकड़ा दिखा भाई साहब, गुटका रिमल शिखर भाई, थूक थूक के दीवारों को लाल भी लगा देते हैं हमारे यहाँ। यहाँ देखो तो पेड़ का पत्ता भी नहीं है यार, चलो और जगह आते हैं। ये पता नहीं क्या क्या देख रहे थे ऐसे, चलो कुछ देखो। भाई वो रहा यहाँ किला, निकलते हैं अब, थोड़ी हवा लगी है यार। बाकी मज़ा आ गया, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चल लिया फिर, बाकी मज़ा अच्छा गाँव है, मस्त विलेज है, साफ सफाई देख लो, इतना शांत है ना लोग रहते हैं, कहीं आवाज़ नहीं है, मस्त लोग अपने मज़े में। गाड़ियाँ सब लाइन से लाइन खड़ी है एक ही रो में, ऐसे नहीं इधर एक इधर, देख लो भाई सारी गाड़ियाँ एक लाइन में हैं, गली चाहे छोटी हो चाहे पतली हो।